हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मैं उठाऊँ नमाज़ पढ़ी है, फजर की नमाज़ पढ़ के अब मैंने जो है मैं नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए हैं और अब मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज़ के लिए। ईद की नमाज़ जो है बहुत ज़्यादा जल्दी है, जहाँ मैंने पढ़नी है 5:30 बजे ईद की नमाज़ है और आई थिंक 5:05 पर जो है टाइम ख़त्म हो रहा है नमाज़ का, जो फजर की नमाज़ का, और 5:30 बजे जो है ईद की नमाज़ है। तो पहले ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ ली है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ पढ़ के अभी ईद की नमाज़ जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और अभी जो है मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। मैंने कसाई से रब्ता किया है, कसाई ने टाइम दिया था पहले 9 बजे का कि मैं 9 बजे आऊँगा, और लेकिन कसाई जो है कह रहा है कि भाई मैं 9 बजे से पहले आ जाऊँगा, क्योंकि पहले जिसका मेरे ख्याल में बकरा ज़िबा करना, कह रहा है इसके 2 जानवर थे अब 1 जानवर है, तो इसलिए मैं जल्दी फारिग हो जाऊँगा। तो अभी फटाफट क्या करते हैं जी, चेंज करते हैं कपड़े और बकरम का जो है उनको अलविदाई खाना छाना देते हैं, उनकी ज़रा देखभाल करते हैं, थोड़ी सी उनकी करते हैं खिदमत, ताकि उनको खाना छाना दें, ज़रा उनको अच्छी तरीके से वो जो है पेट भर के रच जाएँ, तो फिर उनको जो है हम अल्लाह की राह में इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे। तो कपड़े चेंज करते हैं, फिर आपको अपने जानवर दिखाते हैं। मेरे हो चुके हैं चेंज कपड़े और सामने वालों का जो है बकरा ज़िबा हो रहा है वो सामने गेट पर, और ईद का जो फर्स्ट डे है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ओके आपको पता है कसाई के साथ लगना, बकरे फिर उनको ज़िबा करते हैं, फिर खाल उतरती है, फिर गोश्त बनता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, फिर गोश्त तकसीम करना होता है, तो वो ऑलमोस्ट सारा डे जो है वो इसी तरह बिज़ी होता है सबका ही। तो अभी मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी बकरों को जो है आपको मैं बकरे दिखाता हूँ अपने, जो हमने जानवर खरीदे हैं इस बार अल्हम्दुलिल्लाह की राह में देने के लिए, तो उनको जो है चारा वगैरह डालते हैं, उनको अच्छे तरीके से उनकी करते हैं खिदमत, और फिर जो है फ़ोन करेंगे दोबारा ज़रा कसाई को अपडेट के लिए, भाई ये किधर है, ज़रा जल्दी आ जा, क्योंकि यार ईद के दिन बंदा जल्दी फारिग हो जाए ना कसाई के चक्करों से, तो फिर बंदा आपको थोड़ा बहुत सुकून का सांस आता है। ये आप देख सकते हैं अभी चहल पहल चल रही है रोड पे, ये खाल छाल उतर रही है, मौसमी कसाई काफ़ी ज़्यादा भैया रोडों पर निकल आते हैं, पता नहीं वो मकैनिक हैं कौन हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर कसाई बन जाते हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे सारे जानवर खड़े हैं यहाँ पर, तो इसमें से ये वाला मेमे जो है मेरा है। हेलो भाई, और ये देखें ये जी यहाँ से मुंह बाहर निकाल के नज़ारे कर रहे हैं, ये मेमे है मेरी बेगम का। और इसमें कुछ बकरे भाई के हैं छोटे और बाकी घर वालों के हैं। ये एक चारपाई रखी हुई है, इस पर इनको डालते हैं चारा, जैसी चारपाई डालते हैं ना तो ये सारे अलर्ट हो जाते हैं भैया इनके, अभी हमें मिलने लगा है माल छाप, अब ये सारे अलर्ट हो गए हैं कि भाई चारपाई बिछ गई है तो अब खाना आएगा, फटाफट इनका ज़रा माल को दाम लेके आते हैं। ये चारा कुछ रात को मैंने बचा लिया था कि सुबह इनको देंगे, ताकि ईद के दिन सुबह फिर मिलता है नहीं मिलता। उल्लू के पट्टे जो है मार एक दूसरे को मारते हैं और फिर नीचे गिराते हैं कि मैं ही खाऊं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये ऊपर आ जाता है कहता है कि बस मुझे बिल्कुल कोई कुछ ना कहे, सारा माल मेरा है, कब्ज़ा बिल्कुल इसने किया हुआ सब पे, चारपाई के ऊपर खड़ा हो जाता है और बस क्यों वे ओ टेडी ओए ओ बंदा बण मैनू खाना खाण दे ओए। जब तक बकरे शकरे खा रहे हैं हम इनका बनाते हैं ये वाला खाना, ये तूड़ी शूड़ी से जो बनता है ये बड़े शौक से खाते हैं। अभी ये उधर मसरूफ़ हैं, ये मुझे देख गया ना बनाते हुए, सर ने मुझे छोड़ना नहीं, चारपाई घसीट के इधर ले आएंगे। बड़ा तंग किया इन्होंने यार मुझे, इन्होंने मुझे देख लिया बनाते हुए और वो उधर से इन्होंने झनक दूसरे को मारना शुरू किया, एक दूसरे पे चढ़ गई जा रहा खा रहे हैं। देखें देखें बकरों को मस्तियां करते हुए, देखें देख रहे हैं इसके काम, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं।
इनको मैंने बांध दिए जो बहुत शरारते कर रहे थे ना, ये दो तीन, ये वाला वाइट वाला, वो ब्लैक वाला छलांगे मारा तो उसको उधर बांधा है। बाकी जो दो तीन शरीफ हैं हमारे, ये मेरे वाला, एक तो बेचारा बिल्कुल ही मार खाता रहता है उसको, खोल दिए शरीफों की तरह दोनों खा रहे। एक बैठ गया और एक इधर दरख्त से खाने लग गया। अभी इनको ज़रा चारा डालते हैं, खा लें, कसाई आ जाएगा बिल्कुल अभी। कसाई भाई आ चुके हैं, कसाई भाई को बड़े इज्जत और एहतराम के साथ ऊपर ले आए हैं, सफाई वगैरह सारी जगह की लड़के को लगाया वो कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जरा आराम से गोश्त वगैरह बन सके, जगह साफ़ हो। तरपाल बिछाते हैं और लगाते हैं एयर कूलर और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैं मुझे लटकाओ है शफकत भाई, लटकाएं फंडे को। कसाई भाई आ चुके हैं जरी, अब बारी है मेरे बकरे की। सबसे पहले इसको बिस्मिल्लाह करें। ओके भाई, ऐ कहंदा मैनू बहुत ही जल्दी ले आओ ना। बिस्मिल्लाह। जी नहीं है, बस बस ये अभी बनती है। चलो अपने जानवर को जो है वो ज़रूर छुरी जो है ख़ुद फेरनी चाहिए। मैं ये क्लिप कभी भी ना बनाता, लेकिन ये एक मैसेज है कि जब आप अपनी कुर्बानी करते हैं तो अपने जानवर को छुरी जो है वो ज़रूर आप ख़ुद फेरें। अगर आप फेर सकते हैं तो कोशिश किया करें कि आप खुद छुरी फेरें। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ये इसलिए जो है एक क्लिप रिकॉर्ड की है, वरना मैं एक क्लिप रिकॉर्ड ना करता। एक किसी खाल छाल उतार रहे हैं और अब दूसरे को जरा करते हैं ज़िबा। किसकी बारी है? ये इसको लेके जाते हैं, इस काले को, इसको बहुत मस्ती चढ़ी थी ना। तो आज अब इसकी बारी, तेरी बारी। मैनू छड़ दे भाई। शफकत भाई लगे हुए हैं, कूलर चल रहा है और अभी तक अभी भी कितने बकरे खड़े हैं, तकरीबन तीन खड़े हैं और एक की खाल उतर रही है। बहुत टाइम लगना है, असल में रात की नींद पूरी नहीं है। 3-4 बजे सोया था मैं, 1-1.5 घंटा सो के उठ गया। अब जो है थाला टाइट हो रही है। कसाई कर गया हाथ। सुबह 8 बजे का टाइम था, 9 बजे आया और 2-3 बकरे उसने गोश्त बनाए, बाकी सब को ज़बह करके खाल उतारता गया। मुझे कह गया कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और 12:30 बजे भाईजान गए हैं। अभी तकरीबन 2 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। मैं भी लटका हूँ, मैं फिर तंग आ गया, आखिर नहा के कपड़े बदले। अभी ऐसे जाना नींद से बुरा हाल हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं रात को तकरीबन 3:30 बजे नहीं 3 बजे सोया था और 4:30 बजे जाग गया था। फिर नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर ईद की नमाज़ की तैयारी की, फिर सुबह से बकरों के साथ लग गया, फिर कसाई के साथ। और अभी कसाई साहब लटका के हमें गायब हैं और कसाई भाई ने एक और भी काम किए, जाते जाते इनके से जो पड़ी थी खालें वो भी सारी ले गए। खालें जो हैं वो देनी चाहिए मदारिस में या किसी ऐसे वेलफेयर अदारे को जो अपनी खिदमात दे रहे हैं, तो मदारिस में देना ज़्यादा अच्छी बात है। वहाँ पर बच्चे दीन का इल्म हासिल करते हैं, कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, तो वो अपने जो है जो सालाना खराजात हैं तो वो उनकी काफ़ी हद तक जो है इससे मैनेज हो सकते हैं। सो गाइज, अब अभी फारिग हुआ हूँ सारे दिन भर के झंझट से, सारा दिन भर काम किए, सुबह फजर की नमाज से लेके कंटिन्यूसली अभी तकरीबन शाम के 5:30 बज चुके हैं। कसाई जो है पहले सुबह बकरों के साथ लग गए, फिर कसाई, फिर गोश्त, फिर कसाई साला भाग गया, फिर 2 घंटे बाद आया, काफ़ी लेट हो गया, फिर गोश्त बन के भी फारिग हुए हैं। तो अभी थकावट से बुरा हाल है, अभी बस दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ और मज़े से अपनी नींद पूरी करूँ। क्या करें, बकराईद पे कहीं जाना जो है नहीं, लेकिन अभी जो है मैं ज़रा पहले नहाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, ईद के कपड़े पहनते हैं साफ़ सुथरे, और फिर उसके बाद एक दो जगह जाएंगे, कहीं मिलेंगे,
तो फिर उसके बाद आराम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, अपना अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखिएगा और नमाज़ की भरपूर पाबंदी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।